मुताबिक कासमाबाद में शहीद होने वाले पुलिस अफसर डीएसपी फैज मोहम्मद दायो की ईसा अलैहि सवाब के लिए कुरान खानी। रिपोर्ट कर रहे हैं कासमाबाद से, निज़ाम जी भी। जी निज़ाम जी, बिल्कुल इस टाइम पे हम मौजूद हैं हैदराबाद कासमाबाद में शहीद होने वाले पुलिस अफसर डीएसपी फैज मोहम्मद दायो साहब के साले सवाब के लिए ताजिर रहनुमा रहमतुल्ला सान और उनके दीगर साथियों ने शहीद होने वाले डीएसपी के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीएसपी कासमाबाद एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ अच्छे अफसर भी थे जो आवाम दोस्त अफसर होते हैं। जबकि अपनी गुफ्तगू में करते हुए एसएसपी डीआईजी से मुतालबा किया कि शहीद होने वाले डीएसपी के कातिल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि आवाम के दिलों में पुलिस से मोहब्बत कायम और दायम रहे। गुफ्तगू के आखिर में मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया और कहा एचपी लाइव टीवी हर वो मनाजिर सबसे पहले नशर करता है। कैमरा टीम के साथ निज़ाम जी पी, एचपी लाइव टीवी हैदराबाद। जी, जुमे के दिन जो हमारे डीएसपी शहीद फैज मोहम्मद दायो साहब की जिस जगह पे आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं ये दिए वगैरह, उसको हम भेंटा पेश कर रहे हैं, तो ये वही जगह है जहां हमारे डीएसपी की शहादत नसीब हुई उसको, और इसी जगह पे हमने इसी वजह से ही उसको मना भेंटा पेश करने के लिए दिए भी जलाएँ, ये कुरान खान भी किए और खैरात भी किए, और ये यकीन दिलाते हैं हम उसके वर्सा को कि हमारा भाई था, हमारे मुहाफिज थे, हम उसको याद रखेंगे और आपके दुख सुख में हम बराबर के शरीक हैं। उसके साथ साथ मैं अपने एसएसपी हैदराबाद साहब को और डीआई साहब को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर छोटा भी आप मुलजिम पकड़ते तो उसके लिए पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतना भी हमारे डीएसपी साहब का आप पे हक नहीं है कि यकीन दिलाएं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो जो हकीकतें हमें बताया करें, और आम ताजिर के साथ आम शहरी इतना परेशान है कि अगर उनका अपना अफसर महफूज नहीं तो आम शहरी कैसे महफूज रह सकता है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।